दोस्तों दुनिया भर में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने में सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि इन्हें पूरा करने में बहुत सा वक्त और पैसा खर्च किया जाता है, जिस बीच कोई भी छोटी से छोटी गलती हजारों करोड़ों का नुकसान करवा सकती है। आज ऐसी कुछ गलतियां और उससे बर्बाद हो चुके प्रोजेक्ट्स की लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सैन फ्रांसिस्को न्यूक्लियर डिजास्टर। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूएस मिलिट्री के पास एक शिपयार्ड हुआ करता था, जहां से पहले एटॉमिक बॉम्ब को भी एक हैवी क्रूज पर लोड किया गया था। लेकिन जैसे ही 2000 का दशक आया, इस शिपयार्ड की जरूरत नेवी के लिए खत्म हो गई, इसलिए डिसाइड किया गया कि यहाँ पर मौजूद सभी रेडियो एक्टिव वेस्ट को साफ करवा कर यहाँ पर आम लोगों के रहने के लिए 12,000 घर बनवाए जाएंगे। इस शिपयार्ड को साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट टेक्ट्राटेक नाम की कंपनी को मिला, जिन्हें 2006 से 2012 के बीच 25 करोड़ डॉलर्स की रकम पेमेंट के तौर पर दी गई। और इसी दौरान कुछ दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को इस जगह पर घर बनाने के लिए हायर कर लिया गया। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन 2012 में एक सीक्रेट टिप्स की मदद से खबर मिली कि टेट्राटेक यहाँ पर क्लीनिंग का काम अच्छे से नहीं कर रही है, बल्कि इसकी जगह वो किसी और के सॉयल सैंपल्स को लाकर टेस्ट कर देते हैं, जिससे लगता है कि उन्होंने शिपयार्ड के उस हिस्से को रेडियो एक्टिव वेस्ट से क्लीन कर दिया है। ये काफी बड़ा स्कैंडल बन गया था और 2 साल इस केस के चलने के बाद टेट्राटेक ने अपनी गलती मानी भी थी, लेकिन उनके मुताबिक ये कंपनी की नहीं बल्कि एम्प्लॉयज की गलती के कारण हुआ था। खैर जितने पोर्शन में काम सही हुआ था, उतने पोर्शन में करीब 250 घर 2016 तक बना दिए गए थे और 200 से ज्यादा घरों को तो लोगों ने बेच भी दिया था। लेकिन तभी एक और रिपोर्ट सामने आती है, जिसमें कहा गया कि टेट्राटेक ने पूरी गलती नहीं मानी अपनी, उन्होंने जितना क्लेम किया उससे भी कम काम किया है। 2018 की एक नई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक करीब आधे से ज्यादा क्लीनअप का काम फेक था, जिस वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट को ही रोकना पड़ा और इस बीच करीब 100 करोड़ डॉलर्स का नुकसान होने हो चुका था। लेकिन बात वहीं पर नहीं रुकी दोस्तों, बल्कि केस तब मजेदार हुआ जब पता चला कि अब 350 घर बिक गए थे और इन सभी घरों का दाम करीब 10 लाख डॉलर्स था। इन मालिकों ने फिर डेवलपमेंट कंपनी पर केस कर दिया, डेवलपमेंट कंपनी ने टेट्राटेक पर केस कर दिया और टेट्राटेक की हिम्मत तो देखिए, उन्होंने यूएस नेवी पर ही केस कर दिया कि वह सबूत ना होने पर भी उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है। ये चूहे बिल्ली का खेल चल ही रहा था कि तभी 2022 में एक और खबर आई। पता चला कि क्लाइमेट चेंज के कारण पानी का लेवल बढ़ने लगा है, जिस वजह से शिपयार्ड में मौजूद बाकी रेडियो एक्टिव वेस्ट अब हर जगह फैल गया था, इसलिए पूरी सफाई दोबारा करनी होगी। यानी 22 सालों में सारे 100 करोड़ डॉलर्स बर्बाद हो गए। फॉलिंग फ्रॉम द बिल्डिंग्स। अब चलते हैं 1970 में अमेरिका में बने एवन टावर की तरफ। इस बिल्डिंग को 12 करोड़ डॉलर्स में बनाया गया था और ये अपने जमाने में शिकागो की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती थी। इस बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा इसके एक्सटीरियर पर लगे मार्बल की चर्चा उस वक्त खूब होती थी, क्योंकि इसे एक शानदार लुक देता था ये। लेकिन यही मार्बल फिर इस बिल्डिंग के लिए परेशानी का सबब बन गया। बिल्डिंग की ओपनिंग के सिर्फ कुछ ही दिनों बाद ही एक मार्बल का ब्लॉक अलग होकर नीचे की तरफ गिर गया। ये मार्बल ब्लॉक करीब 160 किलो का था और पास वाली एक बिल्डिंग की छत पर धड़ाम से आ गिरा, लेकिन किसी को भी चोट नहीं आई। अब दिक्कत ये थी कि सबको डर लगने लगा कि कहीं बाकी मार्बल ब्लॉक्स भी नीचे सड़क पर ना गिर जाए, जिससे वहां से आने जाने वाले लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन आर्किटेक्ट ने कहा कि एक वन टाइम इंसिडेंट था, ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन फिर कुछ सालों बाद शिकागो के टेम्परेचर में आते स्विंग्स के कारण एक और मार्बल स्लैब थर्मल एक्सपेंशन के कारण नीचे गिर गया और इस बार ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए सभी मार्बल ब्लॉक्स के आगे एक स्टील ट्रैप लगा दिया गया। लेकिन ये भी एक टेम्परेरी सोल्यूशन था और 5 साल के बाद पूरे मार्बल के एक्सटीरियर को ही बदलना पड़ा, जिसमें 8 करोड़ डॉलर्स का खर्च आया था। पर यह शिकागो की अकेली ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जिसके साथ ऐसा हुआ था। शिकागो की CNA सेंटर बिल्डिंग भी इस तरह के मौसम का शिकार हुई थी। गर्मी और थर्मल एक्सपेंशन के कारण उसकी कांच की खिड़कियां रात चलते लोगों के लिए मुसीबत बन गई थी। 1999 में 29th फ्लोर की एक विंडो के क्रैक होने से एक 37 साल की औरत की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद बिल्डिंग पर केस हो गया और उन्हें 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्हें सभी विंडोज को भी रिप्लेस करना पड़ा, जिसमें एक्स्ट्रा खर्च भी आया। बॉस्टन में भी 1976 में एक ऐसा ही केस देखा गया, जब जॉन हैंकॉक टावर नाम से फेमस एक बिल्डिंग की खिड़कियां भी थर्मल एक्सपेंशन के कारण क्रैक होकर नीचे रोड पर गिरने लगी। इस एक्सीडेंट के बाद उन्हें करीब 10,000 खिड़कियों को बदलवाना पड़ा था। मिसिसिपी ब्रिज कोलैप्स। वैसे भारत में तो ब्रिज कोलैप्स होते ही रहते हैं, लेकिन ये इंसिडेंट भी अमेरिका के मिसिसिपी एरिया का है, जहां पर वहां का फेमस I-35 मिसिसिपी रिवर ब्रिज 1 अगस्त 2007 के दिन कोलैप्स कर गया।
40 साल पुराना ये ब्रिज अपने साथ 100 से भी ज्यादा गार्ड्स और 18 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अपने साथ पानी में डुबा के ले चला गया, जिसमें से 13 लोगों की मौत हो गई और 145 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। जब इस ब्रिज की जांच हुई तो रिपोर्ट में पता चला कि पहले ब्रिज का सेंटर स्पैन अचानक से कोलैप्स हुआ, जो धीरे धीरे ब्रिज के सभी हिस्सों को अपने साथ ले गया। फिर आगे की जांच में सामने आया कि इस ब्रिज की स्ट्रेंथ पर पहले से ही कई लोगों ने वार्निंग दे दी थी और इसे रिपेयर करवाने की मांग भी चल रही थी। इसमें एक बहुत बड़ा डिजाइन फ्लॉ सामने आया। अलग अलग ब्रिज के सेक्शंस और बीम्स को जोड़ने वाली गसेट प्लेट्स जो इस ब्रिज में लगाई गई थी वो बहुत ही पतली थी, बल्कि यूं कहिए कि अपनी रिक्वायरमेंट से भी आधी थी। और उस दिन ब्रिज पर ट्रैफिक के अलावा 300 टन का एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी रखा हुआ था, जिसका भार ये ब्रिज नहीं ले पाया और कोलैप्स कर गया। इस ब्रिज में इंजर्ड हुए या मारे गए लोगों को करीब $5.2 करोड़ का भुगतान करना पड़ा और इसके अलावा इस तरह के हादसों को आगे रोकने के लिए एक $250 करोड़ का फंड भी बनाया गया, जिसमें से $25 करोड़ सिर्फ इस ब्रिज को रीबिल्ड करने में खर्च किए गए। सियोंगसू ब्रिज कोलैप्स। चलिए अमेरिका से अब चलते हैं साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में, जहां पर 21 अक्टूबर 1994 के दिन सियोंगडोंग और गैंगनम डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाला हैन रिवर पर बना सियोंगसू ब्रिज कोलैप्स कर गया। ट्रैफिक के बीच इस ब्रिज की 5th और 6th लेग के बीच का 50 मीटर का हिस्सा अचानक से ब्रिज से अलग होकर नीचे की तरफ आ गया। इस 50 मीटर की स्लैब में उस वक्त एक वैन, एक कार और एक बस भी थी, जो इसी के साथ नीचे आ गई। इस पूरे एक्सीडेंट में 39 लोग मारे गए, जिसमें से 29 लोग उस एक बस में ही बैठे हुए यात्री थे। इन्वेस्टिगेशंस के बाद से पता लगाया गया कि इस ब्रिज को ओरिजिनली 36 टन से कम वजन वाले व्हीकल्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन समय के साथ बढ़ती ट्रैफिक डिमांड्स के कारण इसे कुछ वक्त पहले 47 टन के व्हीकल्स के लिए भी खोल दिया गया था। इसी के साथ साथ ब्रिज के सस्पेंशन स्ट्रक्चर में भी कुछ वेल्डिंग और रिपेयर वर्क की सख्त जरूरत थी, जिसे इग्नोर किया गया था, जबकि कई वार्निंग्स पहले भी भेजी जा चुकी थी। इस कोलैप्स के बाद ब्रिज को मेंटेन करने की जिम्मेदारी रखने वाले 7 सिटी ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया गया और शहर की मेयर को भी इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद इस ब्रिज को रिपेयर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन बाद की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ब्रिज अब इस कदर कमजोर हो चुका है कि इसे अब रिपेयर नहीं किया जा सकता और अब पूरे ब्रिज को ही डिमोलिश करके यहाँ पर एक नया ब्रिज बनाना पड़ा। अगर इस ब्रिज को सही से मेंटेन किया जाता तो शायद ये नौबत ना आती। तो दोस्तों, ये थी कुछ मिस्टेक्स जिसकी वजह से हजारों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा। ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हो दोस्तों, और ऐसी बहुत सी और कहानियां बाकी हैं। तो अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि क्या हमें इस वीडियो का अगला पार्ट बनाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।